तेरी बात सुनो कि तेरी गोदी में बोले कि तेरी गोदी में लला एकाई जाई गो घर लौट जाइए होगा बेटी तेरे जब तक ये सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। चली आई महात्मा की बात मान करके घर में वो बड़ी रानी। अब महात्मा की बात मान के घर पे आ तो गई, टूटी सी चारपाई पे लेट तो गई, लेकिन नींद नहीं आई। वही महात्मा की बात ध्यान में आ रही है। परमात्मा कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही बात सच होगी? कौन सी वो घड़ी आएगी जब एक नन्ना सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सा वो वक्त होगा जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? वो लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। वही रानी को अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद नाए आज और सन्यासी की बाती रही बुद्धि में दोहराई रे गरीबो। किस दिन जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी रे ओ कबल ला हमारो। और ये नहीं बादल मिया गन में वो भुरा रो है रे ओ कबक मर हमारो। लेकिन नींद नहीं आई। और इन्हीं बातों में उछड़ते बूढ़ते सवेरा हो गया और ये बड़ी रानी उठी और घर के काम में जाके लग गई। देखिए इधर बड़ी रानी घर के काम में लगी है, अब देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली वहां। सुबह ही सुबह महाराज ने घोड़ा सजवाया, ये शिकार खेलने गई वन में। तो क्या देखा जब ये वापस लौट के आए तो ये काफी लेट हो गए ने, रात हो गई रात। तो देखा उत्तान पादने के छोटी रानी के महल के केवाल बंद हैं, तो दरवाजे पे खड़े होके केवाल खटखटाने लगे। रानी केवाल खोलो। कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे, अरे केवाल खोलो ना। कोई उत्तर नहीं आया। उत्तान पाद फिर चिल्लाए, मैंने क्या कहा? अरे सब लोग सो रहे हो, दासियां भी सो गई क्या? कब के चिल्ला रहे केवार खोला ना। अब केवार कौन खोले? वो छोटी रानी जो है। अरे सुखनी दसोई गई रानी।
कौन खोले छोटी रानी सो गई गहरी नींद में। और जो छोटी को सोता देखा वो तानपाद के दिल में आया, चलो बढ़िया रही सोई गई, हमारी एक पत्नी और है, आज मौका भी बढ़िया है, बहुत दिन हो गए मिले भी नहीं है, आज सो रही है, चलो बड़ी के पास चलते, सो खूब सो, भगवान करे इतनी सो जिंदगी में कभी जगो ही नहीं। अब छोटी को छोड़ दिया, बड़ी के घर के लिए चले कि जब ध्यान बड़ी को आओए फौरन घोड़ा लाता होए, सोती रहो आराम से सो, भगवान करे खोले ही नहीं नींद तुम्हारी, हमेशा के लिए सो जाओ। छोटी को छोड़ा बड़ी के घर चले, एक कभी कहता है इसीलिए तो दो पत्नियां ठीक रहती है घर में। जब ध्यान बड़ी को आओए फौरन घोड़ा लाता होए, चुपचाप निकले गए बड़ी के घर के लिए। जो बड़ी रानी ने अपने पति को आता हुआ देखा, एकदम से भाग करके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ के, महाराज आप और मेरे घर में इतनी रात को कहां से आए? और तानपाद कहने लगे शिकार खेलने गए थे, सोचा छोटी सो रही है तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली प्रभु आप भूखे भी होंगे, देखो जो की रोटी रखी है वो नमक के साथ खाती और वह रोटी उठा करके महाराज को दे देती, जौ की रोटी नमक के साथ खाते महाराज। और एक बात कहते कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि शादी न कराओ, तुमने एक नहीं मानी, तुमने अपने हाथ से ही अपने जीवन में जहर घोल लिया महारानी। पत्नी कहने लगी महाराज तो आप काहे को परेशान हो, अरे आप तो सुखी हो ही ना, और जिसका पति सुखी है तो पत्नी को चाहिए क्या, पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच है, अगर जिसका पति सुखी है और पत्नी एक बार के लिए दुखी है तो वो दुखी नहीं है, वो सुखी है। और जिसका अगर पति परेशान है और पत्नी आराम से घर में रह रही है तो उसकी कोई जिंदगी थोड़ी है, उसे मर जाना ही बढ़िया है। पिया फिरे परदेस में और बेझेले कष्ट अपार, और जो पत्नी घर में रहे तो जीवन बेकार। जिसका पति मेहनत कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, उसकी औरत अगर घर में आनंद से रह रही हो, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। सुहागिन बही है और जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते हैं। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा, एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारे बही जो पिया मन भाए, नारे बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के घर जाए। और स्त्री का जीवन ही क्या है, ये स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र बताई गई है। एक पति की सेवा करना ये भव सागर से पार उतरने का एक चारा बताया गया है। जिस औरत ने अपने पति की सेवा न कर पाई उसे सात जन्म कभी सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक विद्वान कहता है
रात बड़ी के घर रुके, सुबह हुआ छोटी के घर चले। बड़ी रानी इधर देवर्षि नारद की बात सच होती है, गर्भ धारण करती है। सुबह हुआ तो घर पे छोटी के चले, अंधेरे में न करेगी कहीं जगह ना गई हो। चले क्या देखा, छोटी रानी के किबाल खुले हैं, बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है। जो दूर से आता हुआ देखा, रास्ता में घेर ले, इधर इधर कहा रहे पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी चिल्ला लगी, मौन क्यों खड़े हो, मैंने क्या कहा, तुम रहे कहा, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, हमें मालूम है तुम कहां रहे। अब बोली तुम रात सोती घर रहे और जाने मिल ले रही धमकाई, अब बादल की कर लो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन कसम खा रहे थे हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तुम कोई क्यों बोलो। जब धरी की नारी सता रानी है सोई की कर लो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन कसम खा रहे थे हम उससे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तुम कोई क्यों बोलो। जब धरी की नारी सतारा